सोमवार मंगल में एक काम करना, मंगल के रोज सोमवार पिछले मंगल को आया सोमवार आएगी नहीं यही है नहीं तो वो चीजें जो योजना है अपन जानकारी सरपंच से आपके मकान है ही नहीं अपने नहीं तो उसके लिए अपन गरीब रेखा में नाम है आशा की योजना चल रही है प्रधानमंत्री की भी योजना चल रही है अच्छे मकान जितने के भी हैं नमस्कार स्वागत है आपका ग्राउंड रिपोर्ट डॉट इन में मैं हूं कोमल बड़ूदेकर और आज हमारे साथ हैं सीहोर से चार बार विधायक रह चुके सक्सेना जी सर स्वागत है आपका इस बार सर चुनाव में काफ़ी सारी चीज़ें हैं सर आम आदमी पार्टी भी जो है मुखर हो गई है और फिर कांग्रेस भी है तो आप इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं चुनाव में तो सबको मुखर होना ही पड़ता है परंतु वास्तविकता जो है जनता उसी को पसंद करती है जो आम होता है जी। कितनी भी पार्टी आ जाए जी। सबका अपना अपना ग्राउंड भी रहता है जी। कोशिश भी रहती है जी। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ना उन चीज़ों से जी। सर एक सवाल मैं पूछ रहा था कि जो मुखर होने वाली जो बात है कि कुछ लोग हैं जो केवल बस चुनाव के समय ही सामने आते हैं लेकिन आपकी एक ऐसी छवि रही है कि आप पाँचों साल ही एक्टिव रहते हैं तो ये आप कैसे कर पाते हैं हम जब से हमने होश संभाला है जी तब से हमने राजनीति शुरू की है जी राजनीति से मतलब यही नहीं है जी कि चुनाव जीत जाएं चुनाव लड़ लें जी समाज सेवा को हमने अपना माध्यम बनाया बचपन से जी जब कॉलेज में पढ़ते थे तब से जी फिर ग्रामीण क्षेत्र में गए जी वहाँ यहाँ में सन 74 में कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज सीहोर जी फिर पढ़ाई छोड़ने के बाद गांव गए वहाँ सरपंच बने जी फिर कोऑपरेटिव बैंक में आए जी। मतलब एक समाज की सेवा करने का उद्देश्य लेके हम शुरू से चल रहे हैं जी और वही एक मेन उद्देश्य है और उसमें राजनीति हो जाती है अपने आप जी फिर जनता नहीं मानी तो चुनाव लड़ लिए जी चुनाव लड़ लिए विधायक बन गए तो फिर उद्देश्य और बढ़ गए आगे ताकत बढ़ गई जी। फिर मन में ये रहता है कि यदि पद पे रह के आप काम करोगे तो ज़्यादा सहायता कर पाओगे लोगों को ज़्यादा सेवा कर पाओ जी तो कंटिन्यू चूंकि एक मानसिकता बनी हुई है कि लोगों की सेवा करना है तो इसलिए वो अपने आप मैनेज हो जाता है उसमें कोई हमें तरकीब नहीं लगानी पड़ती जी सर एक सवाल ये पूछ रहा था मैं कि आप इस समय सत्ता में नहीं हैं लेकिन सर बावजूद इसके ये क्या प्रभाव है या क्या कारण है कि लोग सिर्फ आज भी सिर्फ आपके पास केवल समस्याएँ लेकर आते हैं नहीं नहीं सत्ता से इसका कोई संबंध ही नहीं है राजनीति का सत्ता जो सत्ता से संबंध रखकर राजनीति करना चाहते हैं वो क्षणिक राजनीति है जी। एक बार चुन के आ गए चाहे टिकट मिल गया तो या किसी ढंग से चुन के आ गए एक बार तो उस पाँच साल तक फिर रहता है उसका मामला जी। जो ये सोचता है कि सत्ता में आने के बाद या विधायक बनने के बाद ही मैं सेवा करूँगा तो उनके लिए सीमित है जो सतत हमें काम करना है तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है इसलिए क्योंकि आदत पड़ी हुई है काम करने की 20 साल में विधायक रहा जी। इसके पहले 20 साल विधायक से ज़्यादा काम हम करवा लेते थे जी। उस समय तो उनकी संघर्ष ज़्यादा होता था संघर्ष के कारण अधिकारी लोग तुरंत एक टेलीफोन पर बात मान लेते थे विधायक बनने के बाद कानूनी तौर से हमारे हाथ बन जाते हैं जी। तो हम जो हर स्थिति में काम करना पड़ेगा जो भाषा थी हमारी वो थोड़ी चेंज हो जाती है विधायक बनने के बाद मगर चूंकि उस समय कानूनी आपको सपोर्ट मिल जाता है विधानसभा का तो उसमें आप काम करा पाते हैं तो ये जो सतत चल रहा है उसका सिर्फ कारण यही है कि हम लगातार लगे रहते हैं और उद्देश्य यही है कि काम करना है इसलिए उसका पद का महत्व गौण हो जाता है सर आपने जब पहली बार जब चुनाव लड़ा तो मैं देख रहा था पढ़ रहा था तो उसमें यह था कि पहली बार जब आपने चुनाव लड़ा था तो आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा था तो सर वो क्या फैक्टर था आपके जीत के पीछे कि कांग्रेस भी थी बीजेपी थी लेकिन बावजूद इसके आप निर्दलीय चुनाव जीते तो वो क्या फैक्टर था कि जो आपकी जीत का कारण बना उस समय मेरी जीत का कारण सबसे बड़ा जो बना सीहोर में सांप्रदायिक वातावरण बना हुआ था जी 93 के पहले 90 में जी बिल्कुल भाजपा की सरकार थी पटवा जी मुख्यमंत्री थे उसके पहले से भी सीहोर का 10-20 साल पहले से
यहाँ सांप्रदायिक सद्भाव नहीं रहा जी, सांप्रदायिक बातें ज़्यादा होती थी। और मैं चूंकि बचपन से ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाले नारे में विश्वास रखता हूँ जी, बचपन से ही सब दोस्त सभी जाति के दोस्त मेरे साथ रहे और आज भी हैं जी। जो 1965 में मेरे साथ जो मित्र थे जी, वो आज भी मेरे साथ मौजूद है 65 से लेकर अभी तक जी। उसका कारण यही है कि हमने कभी भेदभाव नहीं रखा जी। उस समय जो चुनाव हुआ तो संघर्ष तो था ही जीवन में, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने बहुत लड़ाई लड़ी जी, 93 के पहले 10 साल तक जी। और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने में जनता के दिल में ये बात आ गई थी कि कहीं ना कहीं रमेश सक्सेना को अपने को सपोर्ट करना है, तो वैसे भी सपोर्ट किया भ्रष्टाचार के खिलाफ। जब जब भी मैंने लड़ाई लड़ी, संघर्ष हुआ, सारी समय कांग्रेस में होते हुए कांग्रेस की सरकार ने मेरे पे मीसा लगाई जी, 2 बार 29-29 दिन तक मैं बंद रहा जी। सिविल सर्जन का मुकाला करके हम लोगों ने जेल निकाला था, उस समय 29 दिन बोरा जी मुख्यमंत्री थे और मैं कांग्रेस में ही था, उन्होंने 29 दिन बंद रखा। जनता ने आंदोलन किया और जनता ने जब आंदोलन किया पूरे मध्य प्रदेश की जेल में भर दी मेरे समर्थन में, तब उन्हें मजबूरी में छोड़ना पड़ा मुझे। तो वो जो संघर्ष लोगों के दिमाग में था कि ये जनता के लिए लड़ता है, किसी हद तक जाके लड़ता है जी। जब चुनाव आए सब लोगों ने मिलकर कहा, वायदा किया कि आप चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैं 90 में चुनाव हार चुका था जी, निर्दलीय 90 में भी लड़ा था मैं जी, इसलिए मन में इच्छा नहीं थी कि यार चुनाव हार गए, 6,000 वोट से हारा था जी, अब नहीं लड़ना चाहिए। परंतु उस समय 93 में जनता आई मेरे पास और चारों वर्ग के लोग आए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कि हम साथ में और इस बार आप चुनाव। मैंने कहा हार गया क्या, नहीं हम जिताएंगे। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने कहा हम लगाएंगे। तो 93 का जो चुनाव हुआ उसमें 2 नारे थे जी, रमेश सक्सेना के 4 भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, राम रहीम की निकली सेना जीतेगा रमेश सक्सेना, ये 2 नारे पर पूरा चुनाव हुआ। कोई वायदा नहीं जीतने के बाद क्या करना है, क्योंकि मैंने कहा निर्दलीय हैं, सरकार सपोर्ट करेगी नहीं, जिता भी दिया आपने तो जी। उनका कुछ नहीं, आपको चुनाव लड़ना और MLA बनना। तो ये 2 नारे पे पूरा चुनाव हुआ था और 2 नारे पे चुनाव जीता गया। सर आप सेकुलर छवि के साथ में कहा पाए, आपने जो नारा दिया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला, लेकिन इसके बाद में फिर सर आपने मतलब आप BJP में शामिल हुए, जिसकी छवि सर हमेशा से शुरू से एक कट्टर हिंदूवाद की रही है, एक हिंदू विचारधारा की रही है, तो सर फिर आप इसे कैसे देखते हैं? BJP में जो शामिल हुआ वो कुशाभाऊ ठाकरे की छवि को देखकर जी, क्योंकि कुशाभाऊ ठाकरे में भले ही कांग्रेस में था परंतु कुशाभाऊ ठाकरे के बारे में मैं जानता था, क्योंकि वो भोपाल ही रहते थे जी। मेरे कई मित्र BJP में थे जी, उनके माध्यम से भी पता चल जाता था कि उनकी छवि कैसी, तो उनकी सभी संत की छवि थी जी। और वास्तव में ऐसे लोग नहीं हैं। कुशाभाऊ ठाकरे ने मुझे बुलाया, बुलाने के बाद कहा कि अब तू निर्दलीय चूंकि लड़ लिया है, अब कांग्रेस से तेरा वास्ता ही नहीं है, अब भाजपा में तेरी ज़रूरत है। तो कुशाभाऊ ठाकरे ने जब कहा कि तेरी मेरी ज़रूरत है, तो मैंने कहा इतना बड़ा आदमी, इतना संत आदमी जब अपने से कह रहा है, तो उनके आदर्शों पे चलने के लिए मैं फिर BJP ज्वाइन मैंने किए। और रहा सवाल छवि का, सांप्रदायिक सबको साथ मिलेगा चलने का, तो BJP में रहने के बाद भी, BJP ज्वाइन करने के बाद भी मेरे संबंध सभी से वैसे ही है। सर आप RSS को किस नज़रिए से देखते हैं? RSS में कहीं ज्वाइन नहीं किया जी, गया नहीं मैं, परंतु उनके कार्यक्रम में मैं जाता रहता हूँ। रहा सवाल जहाँ तक RSS का, तो RSS ने काम किया है, देश हित में काम किया है जी। RSS ने आदिवासी क्षेत्रों में जो काम किया उससे मैं ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ, जहाँ लोग भूखे हैं, नंगे हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, अस्पताल का इलाज के लिए पैसा नहीं है, स्कूल में पढ़ने के लिए, उस दिशा में जो संघ ने काम किया है जी, वो बहुत अच्छा काम किया और तारीफ के लायक काम किया। सर बीच में आपका एक बयान आया था, वो किसी ने उसकी आलोचना भी की, किसी ने उसकी प्रशंसा भी की। सर बीच में जब मौसम विज्ञान ने जब एक बयान जारी किया था कि दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी वाली जब बात आई थी, तो आपने सर कहा था कि हनुमान चालीसा का पाठ करे किसान, और वो भी तब जब सर विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, और हालांकि जब आपने जब बोला तो कुछ दिनों के बाद बारिश हुई भी नहीं उस बीच, तो सर इस पर आपका क्या कहना है? नहीं देखो क्या है कि वेद शास्त्रों को तो सब मानते हैं जी, विज्ञान भी मानता जी, वेदों को विज्ञान भी डिनाई नहीं कर पाया अभी तक जी, और वेदों में हनुमान जी का जिक्र है जी, कि ये साक्षात रुद्र के अवतार हैं जी, और जब वेदों में जिक्र है और साक्षात रुद्र के अवतार हैं, तो ऐसी कोई समस्या है ही नहीं जिसका निदान वो नहीं कर सकते हनुमान जी जी।
और मैं अपने जीवन में कई बार अजमा चुका हूँ उस बात को साक्षात्कार कि मैंने जैसा चाहा उनसे निवेदन किया है और यदि सही काम के लिए किया है, एक बार व्यक्तिगत रूप से भले ही मुझे सफलता ना मिली हो परंतु जनहित में यदि मैंने कुछ सोचा तो हनुमान जी ने उसको किया है बिल्कुल। और उस समय भी जब ये चर्चा चली थी तो सीहोर विधानसभा में एक गाँव में भी नुकसान नहीं हुआ। सर तो क्या कभी ऐसा हुआ, क्योंकि लोग कहते हैं कि बाबा या हनुमान जी या भगवान मेरे सपने में आए थे और फिर मतलब मुझको ये बात आई, तो तब ऐसा कुछ हुआ था कि भगवान आपके सपने में आए? नहीं नहीं नहीं, नहीं। सपने अपने में भगवान नहीं आए। अच्छा। तो मुझे विश्वास है कि हनुमान चालीसा एक ऐसी चीज़ है, तुलसीदास जी ने जो रचना की है और वो हनुमान जी के संकेत से ही रचना हुई है। उसको कोई भी बात तो है श्रद्धा की, आप कुछ भी कर लो, वो कौन नहीं कर रहा भाई, पूरे हिंदुस्तान में भजन पूजन करने वाले मिलेंगे, सारे प्रधानमंत्री सारे मुख्यमंत्री सब उन्हीं की दम पर चल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं तो यदि विज्ञान ही विज्ञान होता और ये कुछ नहीं होता तो ये मंदिरों में जाना बंद ही कर देते, लोग अनुष्ठान कराना बंद कर देते जी। सर इस बार आम आदमी पार्टी भी है सर मैदान में, तो क्या आपको लगता है कि कोई एक बड़ी टक्कर मिलने वाली है या फिर कहीं ना कहीं, क्योंकि ये है कि वोट जो है वो छिटकेंगे कांग्रेस की तरफ भी जाएंगे, फिर कुछ निर्दलीय भी होंगे, कई सारी चीज़ें उसमें। अब मेरे समझ से तो फर्क कुछ पड़ना नहीं है, इतना पड़ना है कि जो नोटा होता है ना जी वो वोट मिल सकते हैं मेरे हिसाब से। तो बाकी यहाँ तो मध्य प्रदेश में सीधा सीधा कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई रहेगी, उसमें थोड़ा बहुत बहुजन समाज पार्टी जरूर अपना रोल अदा कर सकती है। सर बुनियादी समस्याओं को छोड़ दे, जैसे बिजली है, सड़क है, पानी है, इन सब के अलावा सर अगर अभी देखा जाए तो सर रोजगार एक सबसे बड़ी समस्या है और एक एजुकेशन सिस्टम है जो प्राइमरी एजुकेशन जो है कई सारी, क्योंकि रुझान जो है ऐसा क्या कारण है कि मतलब सरकारी स्कूलों से हटकर जो अभिभावक है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं, तो सर एक ये एजुकेशन और रोजगार के क्षेत्र में आप कैसे देखते हैं, क्योंकि सर सीहोर इस मामले में जैसे देखें कि अन्य राज्यों की तुलना में थोड़ा सा सर पीछे है रोजगार, खास तौर से रोजगार के क्षेत्र, थोड़ा सा पीछे नहीं है, रोजगार के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पीछे है जी। सर आप 20 साल सर विधायक रहे हैं। हाँ, तो मैंने अपने स्तर पर रोजगार दिया है जी और पूरा सीहोर जिला जानता है कि हम रोजगार के समर्थक हैं, और ये घमंड नहीं है, गर्व के साथ कह सकता हूँ जितना मेरे प्रयासों से रोजगार मिला सीहोर जिले में उतना किसी के प्रयास से आज तक 50 सालों में नहीं मिला। सर लेकिन अभी ऐसी कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं है कि एक बड़े स्तर पर यहाँ पर लोगों को रोजगार, तो वो उसके लिए तो क्या है जो बेसिक चीज़ है तो लोग भी नहीं समझ आ पा रहे हैं, नेता भी नहीं समझ पा रहा है, घोषणा कर देते हैं कि हम फैक्ट्री खोल देंगे, हम आसमान के तारे तोड़ के ला देंगे। तो जब आसमान के तारे तोड़ के लाने वाली स्थिति नहीं है तो नहीं बोलना चाहिए। फैक्ट्री जो वास्तव में सही रोजगार तो जब ही मिलेगा जब कोई बड़ी फैक्ट्री खुलेगी और 2-4, 10 हज़ार आदमी को उसको रोजगार मिले। हम लोग सैकड़ों तक पहुँच पाए हैं रोजगार दिलाने में, हजारों पे संख्या पहुंची होगी ज़्यादा से ज़्यादा, मगर वास्तव में रोजगार की बात जब तभी होगी ईमानदारी से नौजवान के साथ कि हम बड़ा को, मगर बड़ा कोई भी उद्योग तब डलेगा जब पानी हो, बगैर पानी के कोई उद्योग चल नहीं सकता। सीहोर में सबसे कम पानी है, आप बुधनी विधानसभा छोड़ दो क्योंकि माँ नर्मदा की वहाँ पर कृपा है जी, बाकी सीहोर आष्टा रिछावर जी तीनों विधानसभा में पानी समाप्त हो चुका है। गवर्नमेंट लेवी पर जो सर्वे हुए हैं उनने टोटल वाटर लेवल को ख़त्म बता दिया, नीचे है ही नहीं जी, क्योंकि शासकीय योजना में अभी यहाँ पर ये तीनों जगह हैंडपम्प खुलना बंद होगा शासन की तरफ से जी, कि हैंडपम्प नहीं लगेंगे कहीं पे, इतनी बड़ी समस्या है। तो वो जब तक नर्मदा नदी का पानी सीहोर में नहीं आएगा, उसके लिए प्रयासरत हैं, अभी 7 साल पहले जब मैं विधायक था तब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे नगर पालिका के चुनाव, उनने घोषणा की थी मंच से और उसका क्रियान्वयन भी शुरू हो गया आष्टे में, तो शायद स्वीकृति भी हो गया जी। तो ये पार्वती नदी में जब नर्मदा आ जाएगी जी या वो पाइपों के माध्यम से आए जी, नर्मदा नदी का पानी ही पूर्ति कर पाएगा, जब वो आ जाएगा तो पीने की समस्या भी हल होगी और फिर बड़े उद्योग डालने के लिए भी सहयोगी होगी वो, जब तक नहीं खुल सकता कोई। सर एक सवाल ये पूछ रहा था कि पिछली बार आप चुनाव नहीं लड़ पाए थे तो क्या कहीं ना कहीं ये था कि आपकी जगह आपकी पत्नी ने चुनाव लड़ा तो आप महज 1600 वोट से हारे, तो क्या एक ये फैक्टर था कि आप नहीं है
चुनाव हारने का जो कारण बना? नहीं, ये कारण नहीं बना जी, क्योंकि पूरे क्षेत्र की जनता मुझे और मेरे परिवार को एक जैसे ही देखती है, क्योंकि मैं यदि लगा रहता हूँ तो परिवार भी लगा रहता है, तो वो गृहिणी जरूर रही हैं परंतु वो भी 10-15 साल से बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ हैं जी। मेरे भाई भतीजे सब मेरे साथ हैं जी। तो परिवार के मामले में जब कोई बात आती है सब ये समझते हैं कि रमेश सक्सेना भले ही नहीं हो मगर परिवार का कोई आदमी खड़ा है तो रमेश सक्सेना खड़ा है जी। ये कारण नहीं रहा, कारण तो ये रहा कि मैं खुद ही ओवर कॉन्फिडेंस में था, अपने आप को हम अजय समझ रहे थे कि हम हारेंगे ही नहीं, तो मैं यहाँ वोट मांगने नहीं गया सीहोर नगर में। ग्रामीण क्षेत्रों में भी आधी पोलिंग पे नहीं गया मैं कि मिलेंगे ही वोट, और नगर में तो एक जगह भी नहीं गया कि भैया जी वोट दे दो जी। तो वो सबसे बड़ा कारण रहा जी। अच्छा सर, बीच में सर आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, हालांकि वो मामला अभी लंबित है हाईकोर्ट में, लेकिन जनता के बीच में सर एक ये राय बनी हुई है, तो सर इसे आप कैसे क्लियरिफाई करते हैं? जनता के मन में तो ये राय बनी हुई कि मैं भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता जी, लेकिन सर विरोधी हैं या वो इस चीज का हमेशा से फायदा नहीं उठाते फायदा उठाते रहे हैं और उस कारण ही तो वो उन्होंने लगाया केस और उसी के कारण मैं लड़ नहीं पाया चुनाव जी। भाई मैं कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन था जी, जब मैंने 93 में विधायक बना निर्दलीय तब भी मैं कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन था जी, उस समय भी। 96 में जब मैंने बीजेपी ज्वाइन की, ठाकरे ने जब मुझे बुलाया जी, तो दिग्विजय सिंह जी को पता चल गया जी, मुख्यमंत्री थे वो जी, उन्होंने मुझे बुला के कहा कि रमेश मैंने सुना तू बीजेपी में जा रहा। मैंने कहा क्या, ये तो गलत बात है जी। तो मैंने कहा गलत बात इसलिए नहीं है कि 3 साल हो गए मुझे विधायक बने हुए, आपने उतना रिस्पांस दिया नहीं जी। काम तो संघर्ष करा के कर रहा हूँ मैं जी। अब ठाकरे जी ने चूंकि बुलाया, मैं कमिटमेंट कर चुका हूँ कि नहीं बीजेपी में जाना नहीं तेरे को, हम कांग्रेस में लेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं कमिटमेंट कर चुका हूँ अब, मैं क्योंकि मैं तो जिंदा ही सिर्फ इस बात के लिए हूँ जो के दिया माने के दिया जी। तो उस दिन से वो हो गए नाराज जी। तो जैसे ही मैंने बीजेपी ज्वाइन की, उसके 15 दिन बाद ही यहाँ टीम आ गई बैंक की जांच करने के लिए। अच्छा, कोऑपरेटिव बैंक में जी। तो गबन घोटाला तो कुछ मिला नहीं जी, जबकि मैं 20 साल रहा चेयरमैन जी। उनको ये मिले दो चीज़ें कि 10 लोगों को हमने लोन दिया था मकान बनाने के लिए, तो उनका कहना था ना आपने प्रक्रिया का पालन नहीं किया, जो पूरी प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया का आपने पालन नहीं किया और अपने चहेतों को उपकृत कर दिया और उसमें आपने कुछ गेन कर लिया जी। ये लगाया एक आरोप। एक आरोप लगाया उन्होंने हमारे सोसाइटियों में जो दैनिक वेतन पर काम कर रहे थे उनको, हमने चूंकि वो ग्रेजुएट हो गए थे और ग्रेजुएट का नियम था लेने का, तो उनको प्रमोशन करके हमने प्रमोशन नाम दे के उनको परमानेंट कर दिया। तो उन्होंने कहा इसमें आपने पैसे खा लिए, ये नियम विपरीत आपने कर लिया जी। ये 2 आरोप हैं बस, कोई नहीं है कि पैसा निकाल के खा गया या किसी ने दे दिया है, उस चक्कर में ये। सर इस बार आपको कितनी उम्मीद है कि अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो कितनी उम्मीद है कि आपको बीजेपी से टिकट मिलेगा, और अगर मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? नहीं नहीं, बीजेपी से टिकट नहीं मिलने का तो 1% भी चांस नहीं है जी कि नहीं मिले जी, क्योंकि लगातार हम काम कर रहे हैं पार्टी के लिए जी। और ये मतलब नहीं है कि विधानसभा लोकसभा में भी उसी दमदारी से काम करते हैं जी, और विधानसभा से ज़्यादा वोट हम लोकसभा में दिलाते हैं जी, दूसरे भी सारे जितने भी चुनाव होते हैं उनमें हम सक्रिय रहते हैं जी, और मात्र 1600 वोट की हार है जी। तो मैं नहीं समझता कि कोई सोच भी रहा होगा कि उनको टिकट नहीं देना है जी, कोई संभव नहीं है, बीजेपी से ही हमको चुनाव लड़ना। अच्छा, कोई सर जनता के बीच आपका क्या मुद्दा होगा अगर इस बार अगर आप चुनाव के मैदान में अगर जाते हैं तो कौन सा फैक्टर होगा आपके लिए कि जो आपको जीत दिलवाता है या जनता? जीत का सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है जी कि पिछली बार जो हमको चुनाव हराया है जी वही सबसे बड़ा फैक्टर जीत का बनेगा, क्यों इन 5 सालों में जी एक एक आदमी समझ गया है कि रमेश सक्सेना के अलावा उनके साथ संघर्ष करने वाला कोई दूसरे व्यक्ति है ही नहीं जी। तो बाकी वायदे तो अलग चीज़, क्योंकि वायदे में चुनाव में कभी करते हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ जो मुझसे बनेगा साथ दूंगा और साथ करूंगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई मैंने लड़ी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। रोजगारी के समर्थन में हमेशा उतरा हूँ मैदान में, तो पहला प्रयास मेरा रोजगार का रहेगा कि रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, भ्रष्टाचारियों को कड़ी सजा मिले और सांप्रदायिक वातावरण बना रहे। सर अभी हम लोग जब आ रहे हैं सांप्रदायिक एकता का वातावरण बना रहे, अभी हम लोग सर आ रहे थे तो कुछ जगह सड़क का निर्माण कार्य अभी चल ही रहा है, कुछ जगह खुदी पड़ी है, कई जगह पाइपलाइन,
तो सर क्या कारण है कि मतलब पिछले चार साल में क्या आप ऐसा आपको ऐसा लगता है कि क्या पिछले चार सालों से काम नहीं हो रहा, अभी जब चुनाव आए तो बीते एक सालों से काम शुरू हुआ यहाँ पर, या वर्तमान विधायक जो काम नहीं कर रहे हैं? ये बात तो आप वर्तमान विधायक से ही पूछेंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, एक सवाल सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे आष्टा है या इछावर है, सीहोर है, तीनों ही विधानसभा है, आप जन नेता है, तो सर यहाँ पर भी आपको जो है लोग एकदम प्रभाव, आपका प्रभाव है वहाँ पर, तो क्या इन फ्यूचर मतलब विधायक के अलावा क्या आप लोकसभा का भी चुनाव लड़ते हैं, लड़ेंगे क्या, केंद्र में जाने की तैयारी है? नहीं, अभी तो इस तरह का कोई मानसिकता है नहीं। सर जैसे आपके कार्यकाल में कुछ काम संशोधित हो गए थे जिन्हें करना था, और आपके मतलब पार्टी बदली, सत्ता बदली, लोग नए आए, नए विधायक आए, उसके बाद ये हुआ कि आपका जो काम है पूरा हो रहा है और आपको अभी तक इन्विटेशन नहीं आता है और उनका नाम दिया जाता है उनकी तरफ से, मतलब उनको फीता काटने के लिए बुलाया जाता है, तो इस तरह की राजनीति को, इस तरह के सिस्टम को क्या बोलेंगे? नहीं, क्या ये तो शासन की ही नीति है, शासन की नीति है कि जो वर्तमान में विधायक है, वर्तमान में सांसद है, उनसे ही उद्घाटन करवाया जाए, उनको ही कार्यक्रम में वो किया जाए। इनविटेशन देना एक अलग बात होती, बाकी उद्घाटन करना, पत्थर पे नाम लिखाना, ये सब शासन ने कॉन्स्टिट्यूशनली उसको बना दिया है कि विधायक और सांसद ही इसको करें। सर जैसे आपने नर्मदा पानी की बात की थी, वो मुख्यमंत्री ने भी घोषणा की थी अपने नगर पालिका के चुनाव के समय, आज 8 से 10 साल हो गए हैं बात को, लेकिन अभी तक पानी आया नहीं है। और अगर आप आते हैं सत्ता में और उसके बाद भी अगर लंबित होता है मामला, तो आप उस आंदोलन मतलब आप एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे? बिल्कुल, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। दो ही प्राथमिकताएं हैं, पानी और रोजगार, साथ में भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना, बेरोजगारों के लिए लड़ाई लड़ना, और पानी की समस्या के हल के लिए लड़ाई लड़ना। उसके लिए चाहे संघर्ष करना पड़े, सड़क पे उतरना पड़े, मैं जब जब भी चाहता हूँ जनता मेरा साथ देती है और हम साथ। सर किसानों की आत्महत्या एक प्रदेश में भी बड़ा मुद्दा है और हमारा सीहोर क्षेत्र कृषि के मतलब कृषि इलाके में कृषि के लिए माना जाता है, तो किसानों के लिए एक संदेश अगर ऐसा मतलब एक जन नेता के तौर पर आप देना चाहेंगे? किसान तो सबसे दमदार कौम होती है, उनको आत्महत्या करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि किसान भी जब से होश संभालता तब से ही संघर्ष करता है, और किसान के पास बेईमानी करने का कोई साधन ही नहीं है। कायम बेईमानी करेगा किसान, ना तो वो नकली बीज डाल सकता, ना नकली खाद डाल सकता, ना नकली दवा डाल सकता, वो तो ईमानदारी के ही उसको काम करना है। और रात दिन 24 घंटे बारिश में लाइट नहीं है तो भी खेत पे जाना है, सोना है, सांप बिच्छू सब मतलब, तो उसका जीवन तो इतना दमदार हो जाता है संघर्ष करते करते कि आत्महत्या की सोचना ही नहीं चाहिए किसान को। और मैं यही निवेदन करना चाहूँगा सभी किसान भाइयों से कि आत्महत्या नहीं, संघर्ष करना सीखें। जब जब भी आपकी ऐसी परिस्थिति बनेगी, हम आपके साथ मिलकर खड़े होकर संघर्ष करेंगे।